सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक सिंगल कंडक्टर के लिए, एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए उसका कैपेसिटेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करके बताता हूँ। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। एक स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास और उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। स्फेरिकल कंडक्टर मतलब एक मेटल का कोई स्फेयर कंसिडर कर लो, जैसे एक मेटल का स्फेयर है और इसको हमने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रखा है। इस पे चार्ज है क्यू, कितना चार्ज है इसके ऊपर, क्यू चार्ज है, और इसकी रेडियस अपन मान लेते हैं आर। तो ये आर रेडियस का एक स्फेयर है और क्योंकि ये चार्ज को स्टोर कर सकता है, कुछ चार्ज इसने स्टोर कर रखा है, और मान लो इसको मैक्सिमम चार्ज कर रखा है अपन ने, ये जितना भी चार्ज स्टोर कर सकता है उतना इसको चार्ज कर दिया, इससे ज़्यादा चार्ज ये होल्ड नहीं कर पाएगा। तो क्यू चार्ज जब इसको दिया तो इसकी सरफेस पे एक पोटेंशियल आ गया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला होगा वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। जब आप किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज करोगे तो उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल आपको मिलेगा वो कितना होगा, के क्यू बाई आर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द कंडक्टर। के का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू वो चार्ज है जो इसको हमने दे रखा है, तो इतना पोटेंशियल इसकी सरफेस के ऊपर रहेगा। अब ये जो कंडक्टर है, अब कैपेसिटर जब भी हम पढ़ते हैं तो कैपेसिटर में हमेशा दो कंडक्टर लिए जाते हैं, है ना, एक कंडक्टर जिसको चार्ज देते हैं और दूसरा कंडक्टर जिसको ग्राउंडेड रखा जाता है, ऐसा एक सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही कंडक्टर हमको दिखाई दे रहा है तो दूसरा कंडक्टर हम इनफाइनाइट पे एज्यूम कर लेते हैं और उसका पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं। वैसे तो है ही नहीं प्रैक्टिकली वो, लेकिन मान लो कि इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है, तो दो कंडक्टर हो गए, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे एज्यूम कर लिया, ताकि वो दो कंडक्टर वाली जो कंडीशन है वो पूरी हो जाए। फिर ये जो फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं क्यू इक्वल टू सी वी, उसमें जो वी होता है वो वी उन दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी, और दूसरा कंडक्टर जो आपने इनफाइनाइट पे एज्यूम कर रखा है उसका पोटेंशियल कितना, जीरो, तो डिफरेंस कितना हुआ, वी माइनस जीरो वी, है ना। तो ये वी ही आपको कंसिडर करना है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट भी आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करके बता सकता हूँ, लेकिन जो दूसरा कंडक्टर है वो इसलिए आपको कंसिडर करना है क्योंकि हमेशा कैपेसिटर में दो कंडक्टर आपको दिखेंगे। ये तो चलो सिंगल कंडक्टर की बात हो रही है, लेकिन हमेशा कैपेसिटर जब भी पढ़ोगे आप, चाहे वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, दो कंडक्टर मिलेंगे, तो उनकी दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा फॉर्मूले में पुट किया जाता है। हम अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। अगर हम यहाँ पे वी की वैल्यू पुट कर दें, वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने कैलकुलेट किया था, कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो देखो ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी बचा है वो अपना फॉर्मूला है सी इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा तो क्या बना फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ से हमको एक चीज़ और समझ में आ रही है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो सब कांस्टेंट है, लेकिन ये जो आर है, आर का मतलब है रेडियस ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर की रेडियस जितनी ज़्यादा होगी क्या इसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा, सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आर को इंक्रीज करोगे तो सी इंक्रीज होगा। तो सिंपल सा मतलब ये है कि जितना बड़ा कंडक्टर आप यूज़ करोगे, है ना, उसका कैपेसिटेंस, उसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मान लो कि अर्थ का कैपेसिटेंस आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो अर्थ की रेडियस पता है कि आपको कितनी होती है, अर्थ की रेडियस बताओ, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ये अर्थ की रेडियस है। तो अगर अर्थ की कैपेसिटी हम कैलकुलेट करें कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा, 9×10^9, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, 1/9×10^9, आर की जगह 6400 किलोमीटर पुट करना है। किलोमीटर में आपको रेडियस दे रखी है तो मीटर में चेंज करने के लिए 10^3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 711×10^-6 फेरेड। ऐसा यूनिट क्या होती है कैपेसिटेंस की, फेरेड, फेरेड में इसको मेजर करते हैं, तो 711 माइक्रो फेरेड में इसको लिख सकता हूँ क्योंकि 10^-6 का मतलब क्या होता है, माइक्रो, ठीक है। तो ये अर्थ के जितने बड़े कंडक्टर की कैपेसिटी अपने पास आ गई, मतलब अगर आप सोचो अर्थ के जितना बड़ा कंडक्टर यूज़ करोगे तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 711 माइक्रो फेरेड।
अच्छा ये बहुत कम आ रहा है क्या? माइक्रो मतलब 10^-6, क्या ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी? देखो एक्चुअल में जो फेरेड है, कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है फेरेड, वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो अर्थ की जो कैपेसिटी है वो कम नहीं है। आप सोचो कि ये तो बहुत छोटी सी वैल्यू आ गई, ये तो आएगा 0.00071 फेरेड, इतना बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं है। फेरेड क्या है, बहुत बड़ी यूनिट होती है। और जब आप बड़ी यूनिट यूज करोगे तो मैग्नीट्यूड हमेशा आपको छोटा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर अपन बात करें कि जैसे 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम को आप टन के अंदर रिप्रेजेंट करो, 1 टन इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम किसके बराबर होगा, 1/1000 यानी 0.001 टन के बराबर होगा। तो जब टन में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, छोटा, 0.001। जब भी आप बड़ी यूनिट यूज़ करोगे हमेशा मैग्नीट्यूड क्या दिखेगा, छोटा दिखेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये जो फेरेड है ये अपने आप में कैपेसिटेंस की बड़ी यूनिट होती है। इसलिए जब भी आपको कैपेसिटर किसी भी न्यूमेरिकल में दिखेगा या किसी भी क्वेश्चन में दिखेगा तो हमेशा माइक्रो फेरेड, पिको फेरेड, नैनो फेरेड, इनके टर्म्स में दिखेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली इतनी कैपेसिटी के कैपेसिटर होते हैं ये। मतलब फेरेड में आपको ऐसे नहीं कि 1 फेरेड का कैपेसिटर मिला, प्रैक्टिकली बहुत बड़ी एक तरह से ये कैपेसिटी हो गई। तो इसलिए जो नॉर्मली हम यूनिट यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस की, वो होती है माइक्रो फेरेड या नैनो फेरेड या पिको फेरेड। नॉर्मली ये वाली यूनिट हम यूज़ करेंगे। माइक्रो का मतलब कितना है, 10^-6 फेरेड। नैनो का मतलब क्या होता है, 10^-9 फेरेड। और पिको का मतलब क्या होता है, 10^-12। ये याद रखना है, तो ये चीज़ हमको याद होनी चाहिए कि जो छोटी यूनिट्स हैं वो क्या होती है कैपेसिटेंस की, पिको फेरेड, नैनो फेरेड और माइक्रो फेरेड। तो इस टॉपिक पे कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है कि एक इतनी बड़ी साइज़ का कंडक्टर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस इतना है, तो बताओ उसकी रेडियस को 4 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो बताओ कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जितना आप रेडियस इंक्रीज़ करोगे, जितने टाइम्स आप रेडियस इंक्रीज करोगे कैपेसिटेंस उतने ही टाइम्स इंक्रीज होगा। रेडियस डबल करोगे तो कैपेसिटेंस डबल। अगर आपने इस कंडक्टर को किसी मीडियम के अंदर रखा हुआ है तो कैपेसिटेंस अलग आएगा। क्यों आएगा अलग, क्योंकि यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने इसको एयर या वैक्यूम में रखा है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, लेकिन अगर आपने इसी स्फेरिकल कंडक्टर को पानी के अंदर रख दिया या किसी दूसरे मीडियम के अंदर रख दिया, किसी ऑयल में रख दिया, तो उस ऑयल की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई सारी? तो